ओम गणपति नमः, ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फाल्गुन का महीना आरंभ हो चुका है और आज हम बात करेंगे फाल्गुन माह में पड़ने वाली महाशिवरात्रि के बारे में। जानेंगे महाशिवरात्रि किस दिन है और इस दिन अपनी राशि के अनुसार कौन सी वो वस्तुएं हैं जो हमें शिव जी को अर्पित करनी चाहिए, इस दिन का पंचांग क्या रहेगा और इस दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, सभी जानकारी जाने उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें। महाशिवरात्रि का व्रत सभी शिव भक्त बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर सभी शिवलिंगों में विराजमान रहते हैं, इसीलिए महाशिवरात्रि पर की गई पूजा अनंत फल को देने वाली होती है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से शिव जी की पूजा करने से उसका कई गुना फल प्राप्त होता है और इस बार की महाशिवरात्रि वैसे भी कई मायनों में विशेष है, क्योंकि एक तो इस बार चतुर्थी तिथि और प्रदोष तिथि एक ही दिन पड़ रही है। महाशिवरात्रि का व्रत प्रदोष व्रत के साथ आ रहा है जो कि बहुत शुभ माना जाता है और महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष योग भी बन रहे हैं जो इस महाशिवरात्रि को खास बनाते हैं। मान्यता के अनुसार माता पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी और कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन ही उनकी तपस्या सफल हुई थी और उसके पश्चात ही माता पार्वती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ था। इस दिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत किया करती हैं। महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन दिन शुक्रवार रहेगा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का जो आरंभ है वो 8 मार्च को संध्या काल में 9:57 से हो जाएगा और अगले दिन 9 मार्च को शाम को 6:17 पर चतुर्थी तिथि का समापन होगा। वैसे तो सभी पर्व उदया तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं, परंतु शिव जी के जो व्रत हैं उनकी पूजा प्रदोष काल में की जाती है और महाशिवरात्रि पर तो चारों प्रहर की पूजा की जाती है, इसीलिए इस व्रत में उदया तिथि नहीं देखी जाती, इसीलिए ये पर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा। 8 मार्च को पूजा का समय रहेगा शाम को 6:25 से लेकर 9:28 रात्रि के। इसके अतिरिक्त जो चार प्रहर की पूजा का मुहूर्त है वो इस प्रकार है, रात्रि की प्रथम प्रहर की जो पूजा है वो शाम को 6:25 से लेकर 9:28 तक होगी और रात्रि द्वितीय प्रहर की पूजा रात को 9:28 से 12:31 तक होगी और तृतीय प्रहर की पूजा 12:31 रात्रि से लेकर 3:34 तक होगी और उसी के साथ रात्रि के चतुर्थ प्रहर की पूजा रात्रि के 3:34 से लेकर सुबह के 6:37 तक होगी। व्रत का जो पारण का समय रहेगा वो रहेगा 9 मार्च को सुबह को 6:37 से लेकर दोपहर को 3:28 तक और इस दिन का जो निशिता पूजा का मुहूर्त है वो रहेगा 8 मार्च को 12:07 सुबह से लेकर और 9 मार्च को 12:56 तक। और इस दिन के जो अन्य पंचांग के अनुसार मुहूर्त हैं वो इस प्रकार हैं। इस दिन का सूर्योदय होगा सुबह को 6:45 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:29 तक। इस दिन का ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 5:08 सुबह से लेकर 5:56 सुबह के। 8 मार्च का अमृतकाल का समय रहेगा सुबह के 10:43 से लेकर 12:08 तक और 8 मार्च को अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर के 12:14 से लेकर 1 दोपहर के। अब जान लेते हैं इस दिन के कुछ अशुभ समय अर्थात राहु काल, यम गंडक और गुलिक काल। राहु काल का समय रहेगा सुबह को 11:04 से लेकर दोपहर के 12:32 तक और वहीं यम गंडक काल का समय रहेगा शाम को 3:33 से लेकर 5 तक। वहीं गुलिक काल रहेगा सुबह 8:13 से 9:41 तक। तो ये तो थी इस दिन के पंचांग की जानकारी। अब जान लेते हैं
इस दिन की पूजा विधि क्या रहेगी। भगवान शिव की पूजा महाशिवरात्रि पर पूजा करने के लिए प्रातःकाल स्नान आदि के बाद पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी से ये प्रार्थना करें कि आज हम आपका व्रत करेंगे तो हमारा व्रत सफल करें। व्रत करने का संकल्प लें और संकल्प के दौरान आप उपवास किस प्रकार करते हैं ये भी शिव जी से कहें। अगर आप फलहार या निर्जला किस तरह व्रत कर रहे हैं इसका भी संकल्प लेना चाहिए। व्रत के दौरान आपका उपवास निर्विघ्न पूर्ण हो इसी के लिए भगवान शिव से उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और शुभ मुहूर्त में पूजा आरंभ करें। शिव जी को पंचामृत से स्नान कराएं, उन पर जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और उनको चंदन का तिलक लगाएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा, जयफल, मिष्ठान, फल, मीठा पान, इत्र, दक्षिणा आदि और शिव जी की सभी प्रिय वस्तुएं उनको अर्पित करें। केसर के युक्त खीर का प्रसाद चढ़ाएं। महाशिवरात्रि के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। ऐसा योग 300 साल के बाद बन रहा है। 300 साल के बाद शिव योग में शुभ समय में भोलेनाथ जी की पूजा करके उनकी कृपा को प्राप्त किया जाएगा। इस बार महाशिवरात्रि और शुभ प्रदोष व्रत का एक साथ शुभ योग बनना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्र प्रदोष व्रत की ये महत्ता है कि उसके शुभ प्रभाव से नौकरी और बिजनेस में कामयाबी मिलती है और सभी सुख समृद्धियां प्राप्त होती हैं। 300 साल के बाद सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला सर्वार्थ सिद्धि योग और ध्यान मंत्र और जप के लिए उत्तम शिव योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। महाशिवरात्रि पर शिव योग तो पूरे दिन रहेगा। सूर्योदय से लेकर रात्रि के 12:46 तक शिव योग बना हुआ है। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:38 से लेकर सुबह के 10:41 तक रहेगा। वैदिक पंचांग के आधार पर फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाली महाशिवरात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग में पढ़ने से सर्वाधिक शुभ संयोग वाली है। इस दिन शिव पूजा के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ श्रवण नक्षत्र भी हमें प्राप्त हो रहा है जो कि एक अद्भुत संयोग है। शिव योग में महाशिवरात्रि का पारण 9 मार्च को किया जाएगा और इन तीनों योगों का क्या महत्व है अब ये जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं शिव योग का क्या महत्व है। शिव योग में शुभ समय पर भोलेनाथ की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और घर में शुभ कार्यों के योग बनते चले जाते हैं। वहीं सिद्धियों की ये महत्ता है कि इसका संबंध विघ्नहर्ता गणेश जी से है। इस योग में पूजा करने से सभी कार्यों में मनुष्य को सफलता मिलती है। सिद्ध योग में किया गया कोई भी कार्य घर में वृद्धि को लाता है। अब बात करते हैं श्रवण नक्षत्र की। श्रवण नक्षत्र के स्वामी शनि देव हैं। इसमें किए गए कार्य शुभ परिणाम देते हैं। श्रवण नक्षत्र की पूर्णिमा से भगवान शिव का प्रिय मास सावन भी आरंभ होता है। इसीलिए इस दिन पूजा पाठ, खरीदारी, नए कामों की शुरुआत करना भी शुभ माना जाता है। तो इसीलिए इस वर्ष की महाशिवरात्रि को अत्यंत शुभ माना जा रहा है क्योंकि ये तीनों योग इस बार शिवरात्रि पर हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब जानते हैं राशि के अनुसार कौन सी वो चीजें हैं जो हमें भगवान भोलेनाथ को अवश्य अर्पित करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले व्यक्तियों को सभी चीजों के साथ इस दिन शहद और चीनी ये दो चीजें भगवान भोलेनाथ को अवश्य चढ़ानी चाहिए। वहीं बात करें वृषभ राशि की तो वृषभ राशि को दही, दूध और घी इन चीजों को भगवान भोलेनाथ को अवश्य अर्पित करना चाहिए। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को बेलपत्र और लाल फूल वो शिव जी को अर्पित करने चाहिए। अब बात करें कर्क राशि की तो अन्य सभी चीजों के साथ दूध और सफेद वस्त्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने चाहिए। सिंह राशि वालों को शहद और गुड़ ये दो चीजें शिव जी को जरूर अर्पित करनी चाहिए। कन्या राशि वालों को बेलपत्र और शहद शिव जी पर अवश्य चढ़ाने चाहिए। वहीं तुला राशि वालों को गन्ने का रस और घी अवश्य शिव जी को अर्पित करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले लाल फूल और गंगाजल शिव जी पर जरूर चढ़ाएं।
वहीं धनु राशि की बात करें तो उन्हें चंदन और पीले फूल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने चाहिए। बात करें मकर राशि की तो उन्हें बेलपत्र और गंगा जल अन्य वस्तुओं के साथ अवश्य चढ़ाने चाहिए। वहीं कुंभ राशि की बात की जाए तो उन्हें मलाई और मिश्री ये शिव जी को अर्पित करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन की। मीन राशि को शहद और बेर का फल ये शिव जी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। अगर सभी वस्तुओं के साथ ये चीजें अपनी राशि अनुसार शिव जी पर चढ़ाई जाए तो भोलेनाथ को प्रसन्न अवश्य किया जा सकता है। तो ये तो थी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की एक छोटी सी जानकारी। आशा है आपको पसंद आई होगी। कोई भी त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए। बोलिए ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि पर्व की सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं।